आज हम फिल्म 83 के बारे में बात करेंगे मैं आपको इस फिल्म के बारे में सारी जानकारी दूंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि आप इस फिल्म को कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को पसंद करें। तो दोस्तों भारतीय सिनेप्लेक्स में आपका स्वागत है कैप्टन कपिल देव ने भारत की एक टीम का नेतृत्व किया जिसे अंडरडोग के रूप में देखा जाता है जिसने वर्ष नाइनटीन में देश का पहला विश्व कप खिताब अपने नाम किया कबीर खान की 83 थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसलिए दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसलिए दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराज क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसलिए दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसलिए दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसलिए दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए की उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसलिए दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसलिए दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसलिए दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसलिए दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसलिए दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसलिए दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए की उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसलिए दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराज क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसलिए दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसलिए दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत छोटी खुशियां, दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसलिए दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराज क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसने दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस से और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकी एटी थ्री है बारे में कबीर खान की एटी थ्री टीम की यात्रा को समाहित करती है जिसने एक राष्ट्र को विश्वास करना और उसे पिन करना सिखाया विशिष्ट रूप से प्रतिभाशाली विश्व चैंपियनों के एक सेट के रूप में स्वदेश लौटकर अपने क्रिकेट खिलाड़ियों से उम्मीद करता है फिल्म में पहले कुछ मिनट कबीर खान दर्शकों को फिल्म के पात्रों से परिचित कराने के लिए एक बुद्धिमानी से तैयार किए गए पासपोर्ट अनुक्रम का उपयोग करते हैं वह आपको एक तथ्य पर जाने के लिए संवाद और हल्की बातचीत का भी उपयोग करता है भारतीयों को विश्व कप में घर लाने के लिए भारत पर भरोसा नहीं था तभी आपको एहसास होता है कि यह फिल्म विश्व मंच पर जीतने के बारे में नहीं है यह सम्मान अर्जित करने के बारे में है फिल्म के हर चरण में कबीर ने वास्तविक छवियों को रील के साथ जोड़ा है एक को बैठने और इस तथ्य पर ध्यान देने के लिए कि उन्होंने अनुसंधान और मनोरंजन में भारी निवेश किया है दृश्य मैदान पर वास्तविक घटनाओं के समान अच्छे लगते हैं। टीम इंडिया की 1983 विश्व कप यात्रा में परिभाषित क्षण आप महसूस करते हैं कि फिल्म सभी नाटक या सभी खेल नहीं थी इसलिए दोनों को समामिलित करने का एक स्पष्ट प्रयास किया और काफी हद तक वह ऐसा करने में सफल भी रही क्रिकेट के प्रति भारत के प्रेम का बहुत कुछ इस बात से है कि 1983 की टीम ने उस वर्ष विश्व कप फाइनल के दौरान वेस्ट इंडीज जो उस समय की लगभग अपराजय क्रिकेट टीम थी को हरा दिया टूर्नामेंट के दौरान एक बिंदु पर टीम इंडिया से उम्मीद का स्तर इतना कम था कि एक ब्रॉडकास्टर आसानी से भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक मैच में दिग्गजों वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच का चयन कर सकता था बाद वाला वह वा मैच था जहां भारतीय कप्तान कपिल देव ने नेवले के बल्ले से इतिहास रचा था और यह उन महान पारियों को कैमरे में रिकॉर्ड नहीं किया गया था यदि आप इस फिल्म को देखने के लिए भुगतान कर रहे हैं तो वह दृश्य अकेले यात्रा को पैसा वसूल कर देगा कपिल देव की पारी ने न केवल भारत के लिए दिन बचाया बल्कि उन्होंने टीम को तालिका में एक स्थान और बड़ी मात्रा में सम्मान अर्जित किया जिसकी कमी तब तक हर कोने से थी क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड घर वापस भारत में रहने वाले भारतीय और विदेशों में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू प्रेस ऐसी और उन लोगों से भी जिन्होंने पहले ही खेल में अपनी छाप छोड़ी थी तथ्य यह है कि किसी ने भी कप्तान के विश्व कप जीतने के इरादे को गंभीरता से नहीं लिया फिल्म में विभिन्न बिंदुओं पर खेलता है जो दोहराता है कि टीम ने अंततः अपना सर्वश्रेष्ठ पैर आगे बढ़ाने के लिए क्या किया छोटी छोटी खुशियां दुख शानदार जीत दर्दनाक हार आंतरिक उथल पुथल जो प्रत्येक खिलाड़ी ने अनुभव की उनकी व्यक्तिगत यात्राएं और एक टीम बनने की यात्रा जो सज्जनों के खेल में सबसे शक्तिशाली पुरुषों को हराने के लिए खुद पर भरोसा कर सकती है यही कबीर खान की नाटकीय 83 है बारे में